हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ यूनिक जीएस। मैं सचिन आज आपको करंट अफेयर कराने जा रहा हूँ। आज है 15 जून 2021 और आज के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट है आपका, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में किस कंपनी ने गेम स्टूडियो बिग बॉक्स बीआर खरीदा है। तो दोस्तों किस कंपनी ने खरीदा है, वो है फेसबुक। तो जो आपने जो गेमिंग का ये किसने खरीदा है, फेसबुक ने, ठीक है दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक के जो सीईओ कौन है वर्तमान में, सुंदर पिचाई, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कॉफ़ी परिवार से एक नई पौधे की प्रजाति एरिस्टोगेमा किस राज्य में खोजी गई है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि कॉफ़ी परिवार की एक नई पौधे की प्रजाति मिली है, उसका नाम है एरिस्टोगेमा, तो किस राज्य में खोजी गई है, तो वो है आपका एकदम करेक्ट आंसर है, वो है केरल, ठीक है दोस्तों, क्या है, केरल। तो चलिए नेक्स्ट है आपका, हाल ही में सिद्धलिंगैया का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो अब आपको बताना है जो सिद्धलिंगैया थे वो कौन थे। तो दोस्तों जो सिद्धलिंगैया थे वो थे कवि थे, और वो कौन सी भाषा के कवि थे, वो थे कन्नड़ भाषा के कवि, ठीक है दोस्तों। आगे है आपका, हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों क्या है ये, फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब, तो वो जीता है बारबोरा क्रिजिकोवा ने, ठीक है दोस्तों, किसने जीता है, बारबोरा क्रिजिकोवा ने, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट है, हाल ही में लवलीना बारगोहिन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली किस राज्य की पहली महिला बनी है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा असम, क्या होगा दोस्तों, असम। तो ये कहाँ की हैं, लवलीना बारगोहिन असम की, और ये असम राज्य की पहली ऐसी महिला हैं जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करी हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे का है, हाल ही में 8वां अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन यह है कि हाल ही में 8वां अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो किस देश में किया गया है दोस्तों, जर्मनी में, कहाँ किया गया है, जर्मनी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 10,870 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो एकदम करेक्ट आंसर होगा वह उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन यह है कि किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 10,870 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है आपका, हाल ही में चोंगल कोकला माइगा, क्या है दोस्तों, एक बार और नाम में रिपीट कर देता हूँ, चोंगल कोकला माइगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, ठीक है दोस्तों। तो वो किस देश के बने, माली देश के। तो नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारतीय मूल के किस पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों ये जो पुरस्कार का जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार जीता है, तो किसने जीता है, ये जीता है मेघा राज गोपालन, किसने जीता है, मेघा राज गोपालन। और ये जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किसके क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है पत्रकारिता के में, किसके दोस्तों, पत्रकारिता के में। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन है आपके लिए, आज का प्रश्न है आपका, केरल की राजधानी क्या है। तो ठीक है दोस्तों इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि केरल की राजधानी क्या है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।